साथियों जी, यीशु की आज मई महीने का 10वां दिन है। आज हम दुख के भेद के 5वें भेद पर मनन चिंतन करेंगे, जिसमें हम मनन चिंतन करते हैं प्रभु यीशु का क्रूस पर मर जाना। संत यौहन रचित सुसमाचार अध्याय 19 वाक्यांश 25 के आगे हम पढ़ते हैं, ईसा ने अपनी माता को और उनके पास अपने उस शिष्य को जिसे वह प्यार करते थे देखा। उन्होंने अपनी माता से कहा, भद्रे, ये आपका पुत्र है। इसके बाद उन्होंने उस शिष्य से कहा, यह तुम्हारी माता है। उस समय से उस शिष्य ने उसे अपने यहाँ आश्रय दिया। जी हाँ साथियों, माँ मरियम हमारी भी माँ है। क्रूस पे लटके हुए यीशु ने अपनी माता को यूहन को दिया और यूहन को माँ मरियम को देते हुए कहा, यह तुम्हारा पुत्र है। इस प्रकार माँ मरियम ने जगत को अपना संतान बना करके अपने आंचल में रख लिया है। उसी आंचल के साये में आज हम आगे बढ़ रहे हैं। उस माँ मरियम की मध्यस्थता से प्रभु से प्रार्थना करें, जिन्होंने हमें अकेला नहीं छोड़ा है, उन्होंने अपनी प्यारी माँ को भी हमें दिया है। आइए प्रार्थना करें। हे दया सागर प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने अपनी माँ को हम सबकी माँ बना दिया है, हम सबके लिए अपनी माँ को दिया है। वो माँ जो तेरे हर कार्य करलाप को जानती थी, हर सुख दुख में तेरे साथ में रही, बचपन से लेकर के तेरे क्रूस पर दुख भोगने और क्रूस पर लटकने तक, ये माँ मरियम, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तू हमारी माँ है जो सब कुछ जानती है। प्रार्थना करते हैं इस समय हर एक व्यक्ति के लिए, विशेष रूप से बुजुर्ग लोगों के लिए जो एकांत का अनुभव करते हैं, जीवन में बेचैनी का अनुभव कर रहे हैं, प्रभु उस प्रभु से हमें कृपा दिला कि हर कोई जो इस महामारी से गुजर रहा है यह अनुभव करे कि प्रभु उनके साथ है, उन्होंने किसी को अलग अकेला नहीं छोड़ा है, बल्कि वो सदा हमारे साथ है। हमारे दुख भोगने के द्वारा ही हमारे लिए महिमा भी निश्चित है। हम ये स्वीकार करना सीखें जिस प्रकार तूने ईश्वर की योजना को सहज स्वीकार करते हुए कहा, आपका कथन मुझमें पूरा हो। इसी प्रकार हमारे जीवन में हर एक घटना हमें ये याद दिलाए कि ईश्वर का कथन हमारे जीवन में पूरा हो। आमीन।